को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को मानदेय अभी भी नहीं मिला है। कहीं बजट को लेकर परेशानी है तो कहीं बिलों को लेकर परेशानी है। आज बड़ा अपडेट है इसी को लेकर। डीओ को ज्ञापन दिया है, जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है अतिथि शिक्षकों ने। शिवपुरी भास्कर 31/5/2023 मानदेय की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक संघ ने डीओ को सौंपा ज्ञापन। आप देख सकते हैं भास्कर संवाददाता, और यहाँ पर आजाद अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष कांति मोहन बरार ने अतिथि शिक्षकों के दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक के मानदेय भुगतान न मिलने पर गहरा रोष जताया है। इसी क्रम में आज संघ के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधीश द्वारा आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे और आवेदन देकर शीघ्र मानदेय भुगतान की मांग की। तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी एसएस राठौर ने मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि अतिथि शिक्षक पूर्ण शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। हमारे पास कोई अन्य जीप को उपार्जन के लिए साधन नहीं है। हमारा मानदेय भुगतान दिसंबर 22 से अप्रैल 23 तक का शेष है, जिसे तत्काल भुगतान कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में आजाद अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष कांति मोहन बरार, ब्लॉक करेरा अध्यक्ष गणेश भार्गव, कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष मोहन प्रजापति, महासचिव विवेक भार्गव, धर्मेंद्र वर्मा, सियाराम कड़ारे सहित अन्य अतिथि शिक्षक उपस्थित थे। और अभी भी मध्य प्रदेश के 51 जिलों की बात करते हैं, कई जिलों में अतिथि शिक्षकों का मानदेय मार्च अप्रैल दिसंबर जनवरी का रुका हुआ है। दोस्तों, सत्र समाप्त हो चुका है, सत्र शुरू होने को है और यहाँ पर दूसरा सत्र चालू होने को है, लेकिन पहले ही सत्र का मानदेय अभी भी नहीं मिला है अतिथि शिक्षकों को। और भाइयों, लगातार अतिथि शिक्षक परेशान हैं। बाकी नए नए अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।